दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जुमा पर खराब व्यवहार और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने ही उन पर गद्दी छोड़ने का दबाव बनाया था। पार्टी की ओर से मिल रही चेतावनी के बाद आखिरकार उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। इस इस्तीफे के बाद अब जुमा के 9 वर्षीय शासन का अंत हो गया है। जुमा ने अपने इस्तीफे से पहले कहा कि पार्टी का मेरे ऊपर दबाव बनाना गलत था। दरअसल जुमा पर बलात्कार और भ्रष्टाचार के आरोप के बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। अगस्त महीने में ही जुमा के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, लेकिन वफादार सांसदों ने इनकी मदद की थी। इस घटना के 6 महीने बाद ANC के संसदीय दल ने 2 दिन पहले ही जुमा से इस्तीफा देने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो पार्टी ने उन्हें चेतावनी दी कि वो अविश्वास मत के दौरान विपक्ष की मदद करेंगे। इस चेतावनी के बाद जुमा ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही जुमा का 9 साल का कार्यकाल दूसरे और अंतिम कार्यकाल से 9 महीने पहले ही खत्म हो गया। उनका कार्यकाल साल 2019 के आम चुनाव के साथ खत्म होना था। वहीं जुमा के इस्तीफे पर ANC के मुख्य प्रवक्ता जैक्सन मथेम्बू ने कहा कि हम लोगों ने जुमा को राष्ट्रपति चुनकर दक्षिण अफ्रीका को गड़बड़ी में डाल दिया है। हमें इस व्यक्ति को बारीकी से परखना चाहिए था। आपको बता दें कि प्रसिद्ध रंग भेद विरोधी और जुलू बहुविवाहवादी जुमा साल 1994 में अश्वेत अल्पसंख्यक शासन के अंत के बाद दक्षिण अफ्रीका के सबसे विवादास्पद नेता हैं। इनके कार्यकाल के दौरान अफ्रीका को आर्थिक मंदी और राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसी वजह से सत्तारूढ़ ANC ने दिसंबर में उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को पार्टी का नेता चुन लिया था, जिसके बाद उनके राजनीतिक प्रभाव में कमी आई थी। लिबी लाइव की रिपोर्ट।